नए साल के पुरमसरत मौके पर इस हफ्ते आदाब हैदराबाद प्रोग्राम में आपसे रूबरू होंगे तेलंगाना के हर दिल अजीज लीडर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, वजीर दाखिला तेलंगाना। तो आपका सियासत की तरफ रुझान कैसे और क्यों? मैं सियासी पार्टी की तरफ रुझान की तरफ नहीं आया था। अच्छा। मैं तेलंगाना हासिल करने के लिए सीएम साहब से मिला। अच्छा। वो तो अल्लाह का फजल रहा, समझे जो भी अल्लाह ताला का हम पर रहा, हमारा तेलंगाना भी हमें मिला। आज देख रहे हैं आप तेलंगाना का जो लैंड ऑर्डर है इंडिया में नंबर वन लैंड ऑर्डर। बेशक। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो है, जितने इंडिया में सीसीटीवी कैमरे उसका 64% कैमरे हमारे पास है। बहुत अच्छा, हैदराबाद के अंदर लैंड ऑर्डर नंबर वन तरीके से सारे तेलंगाना में चल रहा है। बेशक। लोग सुकून की जिंदगी जी रहे। आजमपुरा स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर एक कमाल साहब थे टीचर। तो जब 8:30 को स्कूल का टाइम शुरू होता था, 8:30 होते हो, बेल होते हुए गेट बंद कर देते, छोटी डिडी रखते थे। जब अंदर घुसते मगर 1 मिनट 2 मिनट दे रहे तो एक छड़ी से एक मार करते थे, अगर 5 मिनट तो 2 काना पड़ता था इधर भी इधर भी। और आप अपना मिसाली किसको मानते हैं? देखिए मैं तो हमारे सीएम साहब को मानता हूँ। अगर मुस्लिम लीडर में देखा तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा। हमेशा हिंदुस्तान की आजादी में बहुत सैन्य और हिंदुस्तान के टुकड़ों करने के बड़े मुखालिफ थे। 1 जनवरी सुबह 10:30 बजे डीडी यादगिरी पर।